हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉली कुकिंग विद डॉली में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे मीठे चावल, जिसको कि नॉर्मली जर्दा चावल भी बोला जाता है, और ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। ये जरूरी नहीं कि बसंत पंचमी के ही दिन बनाए जाएं, इसको हम किसी भी ओकेशन पर बना सकते हैं, लेकिन हम खास इसको बसंत पंचमी के लिए बना रहे हैं। तो चलिए इसके लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ हमने लिए हैं 1 कप चावल, ये बासमती चावल है, आप चाहें तो टोटा चावल भी ले सकते हैं। आधा कप हमने यहाँ चीनी ली है, 3 लौंग लिए हैं, 3 इलायची ली है छोटे वाली, 2 चम्मच हमने देसी घी लिया है और 2 पिंच हमने येलो फूड कलर लिया है। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। चावलों को हम 3-4 बार पानी से अच्छी तरह धो के लेंगे। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, गैस पे हमने पैन रख दिया है, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी। सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लेंगे। घी हमारा मेल्ट हो गया है, इसमें हम सबसे पहले बादाम डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब हम इसमें काजू डालेंगे। और अब हम इसमें नारियल और किशमिश डाल देंगे और इसको भून लेंगे। ड्राई फ्रूट्स हमारे रोस्ट हो गए हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट हमने निकाल लिए हैं, अब हम इसमें 1 चम्मच घी और डालेंगे। घी मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो गया, अब हम इसमें इलायची और लौंग डालेंगे। इलायची को थोड़ा खोलकर फिर डालेंगे, इनको रोस्ट करिए। एक कप हमारे चावल थे तो हम इसमें 2 कप पानी डालेंगे। अब हम इसमें फूड कलर डालेंगे और इसको एक उबाल आने देंगे। पानी को उबाल आ गया है, अब हम इसमें चावल डालेंगे। बस हमें ये ध्यान रखना है, हमने अभी वॉश किए हैं चावल, तो हम 2 कप पानी डाल रहे हैं। अगर आपने पहले से सोक किए हुए हैं चावल तो 1.5 कप पानी डलेगा, 1.5 गुना पानी डलेगा। अब हम इसको लिड लगाकर 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए फ्रेंड्स, चावल हमारे इतने पक गए हैं। अब हम इस स्टेज पे इसमें चीनी डालेंगे और इसको मिलाएंगे बिल्कुल हल्के हाथ से, ताकि हमारे जो चावल हैं वो टूटे ना। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने 1 कप चावल लिए हैं तो हम 1 कप चीनी नहीं डालेंगे, 1 कप से थोड़ी कम डालेंगे, नहीं तो जो हमारे चावल हैं वो कच्चे रह जाएंगे। अब हम इसे लिड लगा देते हैं और 5 से 7 मिनट तक और पकाएंगे। बीच में हम देखते रहेंगे, इसको चेक करते रहेंगे। 5 से 7 मिनट हो गए हैं चावलों को, तो चलिए चावल चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सारा पानी सूख गया है। अब हम इसमें जो हमने रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स थे वो डाल देंगे। आप चाहें तो कुछ गार्निश के लिए रख सकते हैं,
सारा डालना चाहे तो सारा डाल, मैं सारे डाल दूँ, एक बार मिक्स कर देंगे। और लीड लगा दी। अब हम इसको 1 मिनट तक और पकाएंगे, उसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। 1 से 2 मिनट हो गया है, अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इनको, चावलों को हम अब 5 मिनट तक ऐसे ही रखेंगे लिड लगा के, उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम खोल के देखते हैं इनको। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे हमारे चावल बने, ये देखिए एकदम खिले खिले। अगर चावल खिले खिले हों तभी उनको खाने में मजा आता है। तो चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने खिले खिले चावल बने हैं हमारे, और सबसे इजी मेथड से हमने ये चावल बनाए हैं। कोई इसमें उबालने का वो नहीं है कि पहले उबालो फिर तड़का लगाओ, झट से ये चावल बन जाते हैं। ये देखिए कितने खिले खिले चावल हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आई हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बसंत पंचमी स्पेशल मीठे चावल रेडी हैं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, उनको भी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।